पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों के खिलाफ लाए गए अध्यादेश के मुद्दों पर विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरा जाएगा। कांग्रेस की ओर से हर मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा, चाहे वो धान घोटाला हो या फिर लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाला। पूर्व मुख्यमंत्री बुधवार को कुरुक्षेत्र के सेक्टर 2 स्थित कांग्रेस नेता जगदीश राठी के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बहुत तेजी से क्राइम अभी कल मैं देख रहा था, बयान साहब का आया था भाई, पिछले महीने के मुकाबले में क्राइम रेट कम हुआ। ये तो कोरोना काल है, कोरोना में जब घर से बाहर ही नहीं निकले लोग तो वो है, लेकिन पूरा आप देखें ना तो क्राइम बढ़ गया, ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार है ही नहीं। सिंगल कोरोना काल में शराब का घोटाला हुआ है और शराब की बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियों में से बेची गई है उसको। कोरोना काल के दौरान ही जो शराब का नशे का कारोबार काफ़ी हुआ, शराब घोटाला भी हुआ, SIT भी बनाई है, लेकिन वहाँ पे उसने कुछ कोई कार्रवाई ही नहीं की। SIT तो बनी, वो कह रहे हैं हमने बनाई है। SIT बनी, हाँ SIT, वो कह रहे हैं हमने बनाई है। बीच साहब ने, गृह मंत्री जी ने कहा SIT बनेगी, लेकिन जब फैसला आया सरकार का नोटिफिकेशन आया तो SCP का है, उसका कोई मायने नहीं, उसके पास कोई पावर नहीं, कहाँ है, क्या दिख रहा है उसको, SCP का इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कितने दिन के हमारे कोई सिर पैसा है। इसी प्रकार से चावल का घोटाला आया हुआ, धान का घोटाला गया, माइनिंग का घोटाला गया, बिजली मीटर का घोटाला गया, किसी भी होटल इंसान नहीं कर। चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कौन हो सकता है? वो बड़ौदा के लोगों से बात करके जब हम आए। सर मानसून सत्र आ रहा है अभी, तो मानसून सत्र में सरकार को घेरने की आपकी क्या रणनीति रहेगी? एक मानसून सत्र अभी आ रही है, सरकार अभी शुरू होगा मानसून सत्र, विधानसभा में आपकी क्या रणनीति रहेगी सरकार को घेरने की? कई मुद्दे हैं, बताया तो है, जो प्रदेश नंबर 1 था प्रतिवर्ती आय में, प्रतिवर्ती देश में आज अपराध में काम करता हुआ, आज बेरोजगारी में पूरे देश में सबसे ऊपर हो गया, और कोई इन्वेस्टमेंट आई नहीं, तो हर हिसाब से कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। 1983 PTI हटाए गए हैं आपकी सरकार में लगे हुए, और जींद नाम की बहुत बड़ी एक रैली हुई जिसमें हजारों PTI और उनके जो साथी आए, तो प्रशासन वहाँ कह रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, इतने बड़े ज़्यादा संख्या में लोग आए कि ज़्यादा लोग आए हैं कोरोना काल के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो करना सबकी जिम्मेवारी है, इसीलिए वहाँ तो PTI की नौकरियों का है, उनका कोई ना कोई रास्ता नहीं है, अपनी संविधानिक ताकत का इस्तेमाल करके उनका कोई रास्ता निकालना है। और जो अब मानिए फैसला लिया है गया है, जो मर भी गए थे उनकी गाँव को पेंशन मिलनी थी या जो पेंशन थी उनको उनकी भी बंद कर दी गई, तो ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। मौन लेकर और इनका कोरोना काल में तो रोजगार दिए जाते हैं, रोजगार छीने नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट की बात है, ठीक है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन और कोई तरीका निकल सकता है? जैसे कभी भजनलाल के टाइम में 1800 सिपाही भर्ती हुए थे, कोर्ट ने निकाल दिए, लेकिन हमने सबको लगाया और उनके लिए रास्ता निकाला, तो जो ओम प्रकाश चौटाला ने MIT के सारे हटा रखे थे उनको रोजगार दिया, जो 10-10 साल रह गए उनके जो तजर्बे का प्रदेश को फायदा उठाना। अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स, और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव